गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो पिला सेम सब केमती अच्छ पाठ पढ़ापढ़ी करुचो ना सब आईपीएल देखिवे बिजी रही जाइ बुझल पिलागुड़ा तो जानी एवं सब पाठ पढ़ापढ़ी जमा इच्छा नथिबो सब आईपीएल रे बिजी थे तो छाड़ जहाँ भी हो देख जल्दी जहाँ भी देखुच किसी असुविधा नहीं। तो मोर भी टीम जानी तो मैंने जो मैंने आम टीम चैनल को फॉलो करते हैं जानी थो आम मोर पर्सनल फेवरेट हूँ मुंबई इंडियंस जार की अवस्था बहुत ही खराब चलती आ समस्त तुम मैं जहाँ जहाँ सब टीम अच्छी फेवरेट टीम कमेंट डिस्क्रिप्शन में बतेब है स्टूडेंट। तो चलो ये पाठ कथा आसवा बहुत होगा खेल। तो देखो स्टूडेंट समस्त कॉलेज एडमिशन तो हो सार फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन सब अलमोस्ट सरी जाइए तो ये पाठ पढ़ापढ़ को आसवा। तो देख आज वीडियो आम देखा जो वेक्टर कौन रहा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन तो यहाँ तुम कौन तुम कोर वन मैथ कोर वन कौन रहा तुम यूनिट थ्री टॉपिकटा तो टोटल यूनिट थ्री तुम कौन अच्छी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन बुझ पाल स्टूडेंट। तो ये मुझे ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू वीडियो अपलोड कर सारे पार्ट वन वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ी पार्ट टू वीडियो में लिमिट पार्ट पढ़ी पार्ट थ्री वीडियो आज पढ़ा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डेरिवेटिव कमी करते तो ये मुझे लिखिदेगी कौन डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन बुझ पाल स्टूडेंट। तो सिंपल लॉजिक तो आम कौन कर डेरिवेटिव लॉजिक यूज करवा मतलब डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करवा आउ डेरिवेटिव करवा क्या वेक्टर फंक्शन को बुझ पाल स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट लेट करवा स्टार्ट करवा लेट। तो देखो स्टूडेंट डेफिनेशन बहुत इंपोर्टेंट कहीं देखो स्टूडेंट बीएससी में तुमको कहूँ बीएससी प्लस थ्री डेफिनेशन ओरिएंटेड तुम एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पचारे तो डेफिनेशन को स्किप करो नहीं कहीं प्लस टू तुम डेफिनेशन एत इंपोर्टेंट ना बट प्लस थ्री डेफिनेशन बहुत इंपोर्टेंट से डेफिनेशन को नोट डाउन करके रख। लेट आर एफ टी ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन तो आर एफ टी गोटे कौन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन देन द डेरिवेटिव ऑफ आर एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज अनदर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कौन आर डी एस टी तो भाव आर एफ टी गोटे कौन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन नेक्स्ट डेरिवेटिव कले जो फंक्शन आसो कौन तब आर डी एस टी कौन स्टूडेंट आम आसो आर डी एस टी है। तो देखो स्टूडेंट किसी नोटेशन देख डेरिवेटिव ऑफ आर एफ टी तो थोड़े डेरिवेटिव कले आम कौन लगे आर डी एस टी डैश मतलब थोड़े डेरिवेटिव दिथर डेरिवेटिव कले आर डबल डैश टी तीन थर डेरिवेटिव कले आर ट्रिपल डैश टी ये सब जानी नोटेशन भितर चलो गोटे एग्जांपल विषय में कौच है। हाँ ये मुझे लिखी आर डैश टी लिमिट एच टेंस टू जीरो जो फंडामेंटल रूल जहाँ लिमिट रू बाहर आम डेरिवेटिव तुम जान आर एफ टी प्लस एच माइनस आर एफ टी डिवाइडेड बाय एच तो हमें यही फॉर्मूला करवानी आम आम डायरेक्ट फॉर्मूला करवा है। तो देखो स्टूडेंट गोटे एग्जांपल आर एफ टी देखिए टी स्क्वायर आई केप इडा टी जे केप लॉन टी के केप पचारे फाइंड आर डी एस टी आर डबल डैश टी मतलब आर डी एस टी मतलब थर्ड डेरिवेटिव आर डबल डैश टी मतलब डबल डेरिवेटिव चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करवा। तो देखो स्टूडेंट कितने इजी अच्छी तो आर डी एस टी मतलब कौन डी बाय डीटी ऑफ कौन आर एफ टी डी बाय डीटी ऑफ आर एफ टी बुझ पाला। तो चलो डेरिवेटिव करवा तो डी बाय डीटी ऑफ क्वेश्चन कौन देखिए टी स्क्वायर आई केप डी बाय डीटी ऑफ इड द्वारा टी जे केप प्लस डी बाय डीटी ऑफ लॉन टी के केप। तो चलो फटाफट टी स्क्वायर डेरिवेटिव जान बोले ना फॉर्मूला सब खाई गलानी सब है एते दिन छुट्टी पाइ फॉर्मूला सब खाई ना कौन देख टी स्क्वायर डेरिवेटिव तो जान डेरिवेटिव फॉर्मूला जदि माइंड रू डेरिवेटिव फॉर्मूला बाहरी जाइए किसी असुविधा नहीं जाकि देखि दियो डेरिवेटिव रो वीडियो देखि दियो तापर आराम से तुम जापर है। तो टी स्क्वायर डेरिवेटिव कितने टू टी तो टू टी आई केप प्लस इड द्वारा टी डेरिवेटिव इड द्वारा टी जे केप लॉन टी डेरिवेटिव वन बाय टी के केप बुझ पाल स्टूडेंट। तो ये होगा तुम फर्स्ट डेरिवेटिव तो फर्स्ट डेरिवेटिव आम कौन लिखा आर डी एस टी बुझ पाल स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव आम कौन लिखा आर डी एस टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पचार आर डी एस आर डबल डैश टी तो आर डबल डैश टी मतलब कौन स्टूडेंट डी बाय डीटी ऑफ आर डी एस टी मतलब आर डी एस टी मतलब यहाँ बाहर थर्ड डेरिवेटिव हो सारी थर्ड डेरिवेटिव आउ थे गले जहाँ आंसर आसा होता है आर डबल डैश टी। तो चलो सॉल्व करवा डी बाय डीटी ऑफ आर डी एस टी मतलब डी बाय डीटी ऑफ टू टी आई केप प्लस डी बाय डीटी ऑफ इड द्वारा टी जे केप प्लस वन बाय टी तो डी बाय डीटी ऑफ वन बाय टी के केप ठीक अच्छे। तो टू टी डेरिवेटिव ओनली टू आई केप इड द्वारा टी डेरिवेटिव से इट द्वारा टी जे केप वन बाय टी डेरिवेटिव वन बाय टी डेरिवेटिव कैसे स्टूडेंट आम प्लस टू पढ़ू वन बाय एक्स डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर के केप कैसे टी स्क्वायर के बुझ पाला स्टूडेंट। तो ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आई होप तुम आराम से बुझ पार्थ किसी असुविधा नहीं फंडामेंटल सब क्वेश्चन अच्छी आप वन बाय वन धीरे धीरे मुझे आगे लेवल बढ़ेगी कोई टाइप क्वेश्चन आस बतेबी तो आराम से तुम टॉपिक क्लोज कवर होगा तो फटाफट नोट डाउन कर दिव स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट देखा आउ किसी एग्जांपल तुम्हें तीन टाइम एग्जांपल नहीं डिफरेंट डिफरेंट तो फर्स्ट देखिए आर एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस टी आई केप ए साइन टी जे केप प्लस बी टी के केप तो पचार कौन आर डी एस टी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा तो आर एफ टी देखिए
तो देख आर एफ टी कौन दे कॉस टी आई कैप ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप एति दे बुझ पाला स्टूडेंट। तो करियर कौन अच्छे किसी ना डेरिवेटिव करियर अच्छे नॉर्मल डेरिवेटिव। तो चलो फटाफट करवा तो डी बाय डी टी ऑफ आर ऑफ टी डी बाय डी टी ऑफ आर ऑफ टी तो इंडिविजुअल करो डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस टी आई कैप फटाफट देख आराम से हम डी बाय डी टी ऑफ ए साइन टी जे कैप प्लस डी बाय डी टी ऑफ बी टी के कैप हैगला। चलो एटा जानिछो ए कांस्टेंट बाहरी गला कॉस टी रो डेरिवेटिव माइनस साइन टी आई कैप प्लस ए कांस्टेंट साइन टी रो डेरिवेटिव कॉस टी जे कैप प्लस बी कांस्टेंट टी रो डेरिवेटिव 1 इनटू के कैप तो केते हला स्टूडेंट खोल देले माइनस ए साइन टी या को ब्रैकेट भितरे लिखो आई कैप प्लस ए कॉस टी हेगला कौन जे कैप प्लस बी के कैप कहते हैं बी के कैप। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुझे टिके एडिट कराया चाहूँगी जदि से पचार था आर डैश टी रो मोड केते कौन आर डैश टी रो मोड केते आर डैश टी रो मोड केते सेम क्वेश्चन है कहीं किसी किसी क्वेश्चन पचार दिए तो मैं ये क्वेश्चन ही कहीदे तो फास्ट गोटे एक्जाम्पल दे दूँ भावनी गोटे जगह क्वेश्चन देखिए तुम आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बुझाला सी के कैप तो यदि आर रो मोड पचार तो कौन कर आई रो कोफिशिएंट ए तार स्क्वायर जे रो कोफिशिएंट बी तार स्क्वायर के रो कोफिशिएंट सी तार स्क्वायर रूट अंडर बुझाला। तो ये प्रोसेस मोड फाइंड कर वेक्टर भी आगे पढ़ी ये प्रोसेस मोड फाइंड कर तो आम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मोड फाइंड कर तो कौन कर आई रो कोफिशिएंट के माइनस ए साइन टी तो लिख माइनस ए सॉरी केते अच्छे माइनस ए साइन टी रो होल स्क्वायर प्लस जेरो कोफिशिएंट ए कॉस टी रो होल स्क्वायर प्लस के रो कोफिशिएंट केते बी बी रो होल स्क्वायर रो अंडर रूट तो केते हबो माइनस ए रो स्क्वायर ए स्क्वायर एटा केते हला साइन स्क्वायर टी एटा केते ए रो स्क्वायर ए स्क्वायर एटा केते हला कॉस स्क्वायर टी आउ एटा केते हला ओनली बी स्क्वायर रो रूट अंडर तो मैं जेडी देखु ए स्क्वायर टा मु कॉमन नियो छे एट टर्म ए टर्म भितरु तो रहु छे केते साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर र अंडर रूट ठीक अछि स्टूडेंट लिबे दो छे एडी एडी जागा होनी तो कोन करबा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा केते वैल्यू 1 तो ए स्क्वायर इनटू 1 तो केते हो छे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर बुझ पाला स्टूडेंट केते रहला या वैल्यू केते गेला 1 तो हमें आर डैश मोड रो सेकंड के मोड भी एमती फाइंड कर परबा हला। चलो पचारि नै कि वैल्यू बाहर कर देले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन कोन पचार छी आर ऑफ एस केते दे स्टूडेंट एस लॉन एस आई कैप प्लस 5 लॉन एस जे कैप माइनस ई टू द पावर एस लॉन एस के कैप एति दे छी तो आर डैश टी करवा आर डैश एस लिखवा एडी कौन लिखवा आर डैश एस तो डी बाय डी एस ऑफ एस लॉन एस आई कैप प्लस 5 डी बाय डी एस ऑफ 5 लॉन एस जे कैप माइनस डी बाय डी टी ऑफ ई टू द पावर एस लॉन एस केते के कैप हला। चलो तो क्लियरली जानिछु एस इंटू लॉन एस तो कौन पकाया पड़ो इंटू फॉर्मूला पकाया पड़ो तो केते हो स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू फॉर्मूला पकेली फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट आई कैप प्लस 5 तो कांस्टेंट लॉन एस डेरिवेटिव 1 बाय एस जे कैप माइनस इट भी इंटू फॉर्मूला तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होल रे ई टू द पावर एस होल रे जे कैप ठीक अछि तो केते हो एस लॉन एस रो 1 बाय एस प्लस लॉन एस अब एस रो डेरिवेटिव 1 प्लस सो केते रहला आई कैप प्लस एटा केते हला 5 बाय एस जे कैप माइनस ई टू द पावर एस डी बाय डी एस ऑफ लॉन एस केते हो 1 बाय एस प्लस लॉन एस ई टू द पावर एस रो डेरिवेटिव सही ई टू द पावर एस के कैप ठीक अछि फटाफट लिखो एस एटा लिबे दउछि एटा तो तुम लिखि सारथिबो निश्चय जदि लिखिनो वीडियो पॉज करके लिखि दैथिबो हला वीडियो को बैक करके लिखि देबो तो केते हुछ देखो ई एस काटि देली तो कोन रहला 1 प्लस लॉन एस रो केते रो स्टूडेंट आई कैप
प्लस 5 by s j cap minus e to the power s by s plus ln s e to the power s whole रे केत रहला j cap बुझ पलो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आंसर हे गेला अब थर्ड क्वेश्चन करबा एडी मु लिखि दउची थर्ड क्वेश्चन ला सॉल्व करबा तो देखो स्टूडेंट केते इजी अछि वेक्टर वैल्यू फंक्शन किछ नै तो देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हे गेला थर्ड बिट क्वेश्चन को देखो कोन दिछि r of t is equal to e to the power 2t i cap 1 माइनस टी स्क्वायर जे कैप कॉस टू टी के कैप है तो डेरिवेटिव करेंगे आर डैश टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई टू टी आई कैप डेरिवेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर जे कैप डेरिवेटिव कॉस टू टी के कैप एवं तुम जानते स्टूडेंट ई टू टी डेरिवेटिव ई टू टू टी इंटू टू आई कैप कौन पाए चेन रूल हिसाब से यार डेरिवेटिव कितने 1 रो 0 टी स्क्वायर टू टी तो माइनस टू टी जे कैप कॉस टू टी रखते माइनस साइन टू टी आउ टू टी रखते टू तो सजा के लिखले कितने स्टूडेंट टू ई टू पर ये 2 इनटू इट इज अ 2t i कैप माइनस 2t j कैप माइनस 2 sin 2t k कैप बुझ पलो तो ये रहला हमर क्वेश्चन आंसर आई होप तुम आराम से बुझी जाई थो फ्रेंड या पर आउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर करबा त आउ जेमते तुम्हारा डाउट सब क्लियर हो जाए तो देखो स्टूडेंट जो माने जानि न मु तुम कहू छी हमर ग्रुप रे जो माने जॉइन है न हमर प्लस 3 रो ग्रुप स्पेशल ग्रुप बनाई छी जो थरी तुम आराम से तुमको पीडीएफ वीडियो सब प्रोवाइड कराउ छी जो माने जानि न फटाफट ए नंबर रे कांटेक्ट करी ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहा दर कि तुम्हार पाठ पढा पढी रे आउ किछ असुविधा हेबो नाही तुमको सब वीडियो सब वीडियो आराम से प्रोवाइड करा बुझ पलो स्टूडेंट तो फटाफट नोट डाउन कर दिए लिखे कि तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट आउ दिटा को आउ क्वेश्चन देखिबा कोन कहै छी r1 t is equal to 2 t i cap plus 3 t square j cap t q k cap आउ r2 t केते t square i cap 6 t j cap minus t 4 k cap एति दे छी पचार छी कोन d by dt of r1 t into r1 t dot r2 t आउ सेकंड क्वेश्चन रे डेरिवेटिव ऑफ आर वन टी क्रॉस आर टू टी तो आम करवा कौन शुण फास्ट आम आर वन टी आर टू टी डॉट प्रोडक्ट बाहर करवा जहाँ आंसर आसो तार डेरिवेटिव करवा बुझ पलो स्टूडेंट तो चलो स्टूडेंट केम सॉल्व करूँ देख फटाफट तो क्वेश्चन अच्छे आमर डी बाय डीटी ऑफ कौन दे आर वन टी डॉट आर टू टी है तो फास्ट आम आर वन आर टू डॉट प्रोडक्ट आर वन टी डॉट आर टू टी बाहर करवा है तो चलो स्टूडेंट तो आर वन टी के देखी 2 टी आई कैप 3 टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यू के कैप एती रहला डॉट डॉट प्रोडक्ट करिवा का सहित आर टू सहित तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस 6 टी जे कैप माइनस टी 4 के कैप एबे तमे डॉट प्रोडक्ट जानि छ केमती इनटू हबो आई कैप सहित जे कैप सहित के कैप सहित काई कि आई डॉट जे के डॉट के कोन होए 1 आ जदि म अलगा सहित इनटू करबे आई डॉट जे करबे त 0 होइ जइबो हला तो चलो 2t इनटू t स्क्वायर तो केते होछि 2t क्यू आई कैप इनटू आई कैप हे गला तमरो 1 प्लस 3t स्क्वायर इनटू 60 तो 6 इनटू 3 तो 36 18 t स्क्वायर इनटू t तो 18 टी क्यू बुझ पालो स्टूडेंट जे कैप इनटू जे कैप हेगला तुम्हारो 1 प्लस इनटू माइनस माइनस टी क्यू इनटू टी 4 तो टी 7 के कैप इनटू के कैप हेगला 1 तो फाइनली केते हला 2 टी क्यू 18 टी क्यू तो केते हला 20 टी क्यू 20 टा टी क्यू माइनस टी 7 बुझ पालो स्टूडेंट एति गे असला हमर आंसर कार आर1 डॉट आर2 एबे यार डेरिवेटिव करियो हला नाउ डी बाय डीटी ऑफ आर वन टी डॉट आर टू टी बुझ पालो स्टूडेंट फास्ट आम डॉट प्रोडक्ट बाहर कर दूँ जहाँ आंसर आसला तार डेरिवेटिव करवा है तो चलो यार डेरिवेटिव करिया तो फटाफट डी वाई डी टी अफ के 20 टी क्यू माइनस टी टू द पावर 7 तो आंसर के 20 कॉन्स्टांट टी क्यू डेरिवेटिव 3 टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 7 तो 7 टी टू द पावर 7 माइनस 1 तो टी 6 तो आंसर 23 टी स्क्वायर माइनस 7 टी 6 ठीक अच्छे स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट एडी कोन देखलो स्टूडेंट आंसर ओटे कोन आछी कांस्टेंट फंक्शन आसला कांस्टेंट फंक्शन माने बुझछ तो स्टूडेंट एडी कोन कहबी तमरो एडी गुडे कोन आसला आई जे नाही तो डॉट प्रोडक्ट रे तमे जानछ आई जे रहिबो नाही डॉट प्रोडक्ट रे आई जे रहिबो नाही खाली गुडे कोन आसीओ फंक्शन आसीओ तमरो आई जे रहिबो तो ई रहला तमरो फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन आमे कोन करलु डॉट प्रोडक्ट बाहर करलु जहा बाला तार डेरिवेटिव करलु हला नेक्स्ट क्वेश्चन केमती करबा देखो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सरी गला एबे सेकंड क्वेश्चन को देखिबा तो सेकंड क्वेश्चन दे छे कोन देखो कोन कहै छे r1 क्रॉस r2 तो दीटा को फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट करबा जहां आंसर आसे तार डेरिवेटिव करबा हला तो क्रॉस प्रोडक्ट केमती करा जाय b2 तो r1t क्रॉस
आर टू टी तो केमती करेंगे देख स्टूडेंट फास्ट एवं जो मैंने प्लस टू क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी वेक्टर तुम जान क्रॉस प्रोडक्ट कमी फाइंड कर जाए आई केफ जे केफ के केफ सेकेंड लाइन आर वन कोफिशिएंट तो आर वन कोफिशिएंट के टू टी एटा थ्री टी स्क्वायर एटा टी क्यू से थर्ड लाइन आर टू कोफिशिएंट आर टू कोफिशिएंट के टी स्क्वायर सिक्स टी एटा माइनस टी फोर बुझिपाल स्टूडेंट चलो तो देखो स्टूडेंट एबे कौन करिवा यार हमें डिटरमिनेंट फाइंड करिवा क्रॉस प्रोडक्ट मीन तुम जान डिटरमिनेंट एटा प्लस टू रे भी थिला तो क्रॉस प्रोडक्ट मीन तुमको भी डिटरमिनेंट फाइंड करा पड़ो तापर जाकी तारो डेरिवेटिव फाइंड करिवा हला तो चलो फास्ट लिखिया कौन आई केफ तार बक्स बनाओ माइनस जे केफ तार बक्स प्लस के केफ तार डिटरमिनेंट ठीक अच्छे आई केफ लिखुचे तो या छाड़ कलम को छाड़ रो को छाड़ तो थ्री टी स्क्वायर एटा रहा टी क्यू एटा सिक्स टू 60 माइनस टी फोर जेकेप्रे या छाड़ कलम को छाड़ रो को छाड़ टू टी ये रहा टी क्यू टी स्क्वायर माइनस टी फोर चलो केकेप कलम को छाड़ रो को छाड़ टू टी थ्री टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा 60 चलो आपको सॉल्व करिया फास्ट आई केप तो ये इंटू करके देख स्टूडेंट डिटरमिनेंट तो माइनस थ्री टी सिक्स माइनस सिक्स टी फोर माइनस जे केफ माइनस टू टी फाइव माइनस टी टू द पावर फाइव प्लस के केफ एटा के स्टूडेंट सिक्स इंटु टू देख ट्वेल्व टी स्क्वायर माइनस थ्री टी फोर एति है यार डेरिवेटिव फाइंड कर सिंप्लीफाई करदे माइनस थ्री टी सिक्स माइनस सिक्स टी फोर माइनस तो ये माइनस कमन हो गए माइनस माइनस प्लस जेकेप के स्टूडेंट टू टी फाइव प्लस टी फाइव तो कंबाइन कर लिख पारे कौन स्टूडेंट थ्री टी फाइव के लिख पारे थ्री टी फाइव प्लस केकेप ट्वेल्व टी स्क्वायर माइनस थ्री टी फोर ठीक अच्छे एवं आसीगला एवं यार डेरिवेटिव कर स्टूडेंट यार डेरिवेटिव तो डी बाय डीटी अफ कौन कर स्टूडेंट माइनस थ्री टी सिक्स माइनस सिक्स टी फोर होल रे आई केप प्लस डी बाय डीटी ऑफ थ्री टी फाइव होल रे जे केप प्लस ट्वेल्व टी स्क्वायर माइनस थ्री टी फोर टोटल रे के केप यार भी कौन डी बाय डीटी करिवा डी बाय डीटी बुझ पाला स्टूडेंट फास्ट आम कौन कलु क्रॉस प्रोडक्ट बाहर कलु एबे तार डेरिवेटिव करिया कहीं क्वेश्चन पचार आर वन टी क्रॉस आर टू टी तार डेरिवेटिव है चलो तो डेरिवेटिव बाहर करिया माइनस थ्री कांस्टेंट टी सिक्स रो केते हबो सिक्स टी फाइव माइनस सिक्स कांस्टेंट टी फोर रो केते हबो फोर टी क्यू आई केप प्लस ये केते हबो स्टूडेंट थ्री कांस्टेंट टी टू द पावर फाइव रो फाइव टी टू द पावर फोर ये रहा जे केप प्लस ट्वेल्व टी स्क्वायर रहा टू टी माइनस थ्री कांस्टेंट टी फोर रो फोर टी क्यू होल रे के केप बुझल स्टूडेंट बस खाली सिंप्लीफाई करके लिख तो माइनस एटीन टी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर टी क्यू होल रहा आई केप प्लस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन टी टू द पावर फोर जे केप प्लस ट्वेल्व इंटू टू तो ट्वेंटी फोर टी माइनस चारि बार टी क्यू होल केकेप बुझल स्टूडेंट तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन भी कवर हो गला तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन भी कवर होता बुझल स्टूडेंट तो देख स्टूडेंट तो ये पार्ट में तुमको सब वीडियो रो डिस्क्रिप्शन सब वीडियो रो वीडियो एंड होगा लास्ट पार्ट में तुमको क्वेश्चंस देवी तो ये वीडियो में तुमको क्वेश्चन किसी देखिए देखिद नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तीन टा क्वेश्चन तुम रही बुझल स्टूडेंट तुम तीन टा क्वेश्चन अच्छे तो जहाद्वे कि तुम कौन आउ प्रिपेरेशन किसी असुविधा रही है ना बहुत पिला डाउट रोचे कहते सर आप क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ तो देख स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन दे दीजिए बिट वन बिट टू बिट थ्री तो कौन अच्छे बिट वन कौन अच्छे आर वन आर टू दे तो यह सब पचार फाइंड आर वन डैश टी आर टू डैश टी आर वन डैश टी मॉड आर टू डैश टी मॉड आर वन डॉट आर टू कौन बाहर कर डॉट प्रोडक्ट तापर तार डेरिवेटिव आर वन क्रॉस आर टू टी क्रॉस प्रोडक्ट बाहर कर तार डेरिवेटिव आर वन डबल डैश टी आर टू डबल डैश टी यहाँ पचार नेक्स्ट नंबर टू एफ एफ टी देती इट द टू टी आई केप वन प्लस टी स्क्वायर जे केप कॉस टू टी के केप तो ये कौन पचार एफ डबल डैश टी एफ ट्रिपल डैश टी मतलब या दुई थर डेरिवेटिव कर आउ तीन थर डेरिवेटिव कर आउ तार मॉड भी फाइंड कर मॉड कैसे फाइंड कर जाए मुझे अलरेडी बताई सारी नेक्स्ट आउ गए क्वेश्चन देती एफ एफ थीटा तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा आई केप कॉस टू टीटा जे केप
थीटा स्क्वायर के केफ तो कौन कर एफ डैश थीटा एफ डैश थीटा एफ डबल डैश थीटा एवं रहा एफ डैश थीटा एफ डबल डैश थीटा डॉट प्रोडक्ट तार डेरिवेटिव एफ डबल एफ डैश थीटा क्रॉस प्रोडक्ट एफ डबल डैश थीटा तार डेरिवेटिव बुझा स्टूडेंट। तो ये तो रहा क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट मुझ सब पार्टी एमती क्वेश्चन देवी तो पाठ पढ़ा किसी भी असुविधा रही जदि किसी भी असुविधा होती तो मत यही नंबर में कंटाक्ट कर आराम से तुम पाठ पढ़ा पढ़ी सब सल्व हो बुझा स्टूडेंट। तो सब जी प्लस टू पिला हूँ कि प्लस थ्री पिला हूँ जहाँ भी किसी प्रोब्लम होती मतलब कंटाक्ट कर बुझा स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन टॉपिक को स्टार्ट करवा बुझा स्टूडेंट।